आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा गेम जो कि बहुत पॉपुलर गेम रह चुका है। इस गेम को आपने या तो किसी को खेलते हुए देखा होगा या तो खुद खेला होगा, चाहे आप घर में खेल रहे हो या आपके कोई दोस्त वगैरह खेल रहे हैं, किसी को तो खेलते हुए देखा ही होगा। और या अगर आपने नहीं खेला है गेम तो आप अगर कहीं गेमिंग पार्लर वगैरह जाते थे पहले, वहां पर जरूर इस गेम को देखा होगा। ये गेम कोई और नहीं, रेजिडेंट इविल 4 है। चलते हैं जल्दी से वीडियो में आगे और देखेंगे कि क्यों रेजिडेंट इविल 4 के लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए और क्यों ये धमाका मचाने वाला है पूरे कम्युनिटी में। तो रेजिडेंट इविल 4 बहुत एक पॉपुलर वीडियो गेम है, हम सभी को पता है। कैपकॉम ने इसे 2005 में लॉन्च किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा। मतलब रेजिडेंट इविल सीरीज का इसके अब प्रीक्वल भी आ गए, सीक्वल भी आ गए इस गेम के आगे पीछे। पुराना पार्ट जो था इसका रीमेक भी आ गया, लेकिन रेजिडेंट इविल 4 का एक अलग ही लेवल रहा। उस लेवल में ना कोई दूसरा गेम नहीं पहुंच पाया रेजिडेंट इविल की, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा भी एक पहला स्टोरी गेम था ये। मतलब पहले ज़्यादा मैं स्टोरी गेम खेलता नहीं था, पहले जो गेम खेलता था वो या तो होते थे WWE, स्मैकडाउन वगैरह हो गया, डाउनहिल वगैरह हो गया, अर्बन हो गया, तो उसमें स्टोरी ऐसा कुछ खास रहती नहीं थी। लेकिन ये गेम बहुत अलग था उस टाइम के हिसाब से। अगर अपन इसको जज करें, मतलब उस टाइम के हिसाब से ही करना चाहिए क्योंकि उसी समय लॉन्च हुआ था। इस गेम की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, गेम प्ले बहुत अच्छा था, साउंड इफेक्ट तो भाई डरा देते थे उस टाइम, क्योंकि अपन छोटे भी थे उस टाइम तो डर लग जाता था बहुत आसानी से। लेकिन अभी इवन अभी भी अपन खेलेंगे इसको, मान लो अकेले खेल रहे हैं, अच्छा हेडफोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो चांसेस है कि हम अभी भी डर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं डरेंगे ऑफकोर्स। लेकिन यही सब चीज़ें थी जो गेम को यूनिक बनाती थी। लेकिन अभी इस हफ्ते रेजिडेंट इविल 4 रीमेक लॉन्च होने वाला है। ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि कैपकॉम बना रहा है रीमेक के ऊपर, काम कर रहा है रेजिडेंट इविल 4 के। अब हमको फाइनली डेमो देखने को मिल चुका है। जो गेम प्ले देख रहे हैं आप, ये डेमो का ही है। रेजिडेंट इविल 4 इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि PS4 में खेलने के लिए इसका अल्टीमेट HD एडिशन भी लॉन्च करना पड़ा, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। मतलब श्योर उसमें ग्राफिकल इम्प्रूवमेंट था, लेकिन रीमेक में जो देख रहे हैं ये तो कुछ और ही लेवल का है, आप खुद ही नोटिस कर पा रहे होंगे। रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइजी के फैन ना इसके लॉन्च के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। इवन मैं खुद एक्साइटेड हो गया हूँ रेजिडेंट इविल, क्योंकि एक ऐसा गेम रहा है जो कि ना हमेशा ना गेमर्स के या फिर गेमिंग कम्युनिटी के दिल में रह चुका है। तो रीजन जान लेते हैं। तो पहला रीज़न है यहाँ पर ऑफकोर्स ग्राफिकल इम्प्रूवमेंट। रेजिडेंट इविल 4 का जो वर्जन था, ओरिजिनल वर्जन 2005 में जो रिलीज़ किया गया था, तब उसके ग्राफिक बहुत इम्प्रेसिव थे, नो डाउट। मतलब इतना अच्छा डिटेलिंग था, पूरा कैरेक्टर इतने अच्छे दिखते थे, ऊपर से उसमें गन शॉट वगैरह का एनिमेशन या फाइट एनिमेशन हो गया या बॉसेस का एनिमेशन हो गया या कुछ भी मटेरियल का एनिमेशन हो गया, ये बहुत अच्छे से दिखाया गया था उस टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। लेकिन अब ना ग्राफिक अलग लेवल पे जा चुके हैं, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राफिकल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और ऑफकोर्स मिलना चाहिए, लगभग 17-18 साल हो गए। 2005 को लॉन्च हुआ था ये, 2023 को लॉन्च हो रहा है, 15 साल से ज़्यादा तो हो ही चुके हैं, इतना में तो इम्प्रूवमेंट आता ही है। इसके साथ हमें यहाँ पर गेम प्ले के मैकेनिक्स भी इम्प्रूव किए हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लियोन नाइफ से पैरी कर देता है कुछ को भी, कोई भी एनिमी वेपन आपके ऊपर यूज़ कर रहा है, आप नाइफ निकाल रहे हो उसी टाइम पर तो पैरी हो जाता है। इवन आप चेनसॉ वाले के ऊपर भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही ना अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा। ये गेम प्ले को ना एकदम इमर्सिव बना देता है और इंजॉयबल बना देता है। और एक पॉइंट है इसका, नॉस्टैल्जिया फैक्टर। रेजिडेंट इविल 4 ओरिजिनल वर्जन, रेजिडेंट इविल 4 का ओरिजिनल वर्जन बहुत सारे गेमर्स का चाइल्डहुड का हिस्सा है, इवन मेरा खुद का। मैंने जैसे कि बताया मेरा पहला गेम था स्टोरी वाला, मैं इससे पहले स्टोरी वाले गेम खेलता नहीं था, मैं ज़्यादातर मल्टीप्लेयर गेम खेलना पसंद करता था अपने दोस्तों के साथ या भाई बहन के साथ, और मैं सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस ढंग से कभी किया नहीं था। तो मैं पहला गेम था और उस हिसाब से नए गेम ना 10 out of 10 था उस टाइम के हिसाब से, अभी भी है। इस गेम का अनाउंसमेंट हर गेमर के लिए एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप की तरह है, मतलब उस टाइम पर ले जाएगा। हम अगर खेलते हैं ना ऐसा लगता है, अरे यार मैं उस टाइम पर पहुंच गया। मतलब नॉस्टैल्जिया हर्ट करता है, जानता हूं मैं, हम सबको हर्ट करता है, लेकिन ठीक भी है। इवन अभी भी कोई कोई गेमर रेजिडेंट इविल 4 को खेलते हैं ओरिजिनल वर्जन, कभी कभी मैं भी खेल लेता हूँ। उसका मशीनरीज मोड भी है, बहुत अच्छा है। गेम में हमें नए नए चीज़ देखने को मिलते हैं और नए नए तरीके से हम पूरा गेम प्ले को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब गेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई चैलेंज ले लिया कि शॉटगन से ही मारूंगा सबको इस टाइप से, या पिस्टल से ही मारूंगा, या नाइफ ओनली भी करते हैं। कोई कोई तो इतने ज़्यादा इनसेन खेलते हैं कि नाइफ ओनली चैलेंज आप अगर देखोगे तो मिल जाएंगे यूट्यूब में। इस नॉस्टैल्जिया फैक्टर के साथ
बहुत सारे ऑडियंस अपील होते हैं इसमें कि मेरे को भी खेलना यार, ये ऐसा गेम था इसको तो छोड़ नहीं सकता। और एक फैक्टर है यहाँ पर या फिर और एक पॉइंट है कि फ्रेंचाइजी, रेजिडेंट ईविल फ्रेंचाइजी का लीगेसी, रेजिडेंट ईविल का फ्रेंचाइजी एक बहुत ही आइकॉनिक गेम फ्रेंचाइजी है जिसको सब जानते हैं, मतलब ना ये बहुत फेमस है। मैं नहीं बोलूँगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी जितना फेमस या उससे कम है, उसका अलग फैन बेस है, इसका अलग फैन बेस है। इस फ्रेंचाइजी में हमें सब देखने को मिलता है, सब मतलब रेजिडेंट ईविल के गेम्स देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स मूवीज तो देख ही चुके हैं हम बहुत सारे, और अब तो टीवी शोज भी आ रहे हैं, और एनिमेटेड टीवी शोज तो है ही, शो के या फिर फ्रेंचाइजी के अब बहुत सारे फैन बन चुके हैं। और इस फ्रेंचाइजी का हर एक गेम अपना एक खुद का लीगेसी कैरी करता है। मतलब जैसे हम रेजिडेंट ईविल 4 में देख रहे हैं, यहाँ पर लीड हमको लियोन का देखने को मिलता है, लियोन एस कैनेडी का। दूसरे रेजिडेंट ईविल में देखेंगे तो शायद उनकी स्टोरी अलग हो। टू लियोन का स्टोरी था वैसे रेजिडेंट ईविल 2, लियोन और क्लेयर का स्टोरी है, वो बहुत अच्छा गेम है। इसी रेजिडेंट ईविल 4 वैसे उसी का सीक्वल है अगर आपको नहीं पता तो। और इस फ्रेंचाइजी का लीगेसी ना फैन के लिए बहुत मायने करता है, जिसके लिए कैपकॉम को ये मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर फैन बेस उनको बनाए रहना है तो, और कैपकॉम वही कर रहा है। और एक रीज़न है यहाँ पर कि गेमिंग कम्युनिटी, जैसा कि कैपकॉम ने रेजिडेंट ईविल 4 का रीमेक अनाउंसमेंट किया है जब से, तब से ना सोशल मीडिया में ये आग लगा चुका है और गेमिंग कम्युनिटी में, मतलब हर कोई उसी का स्टेटस डाल रहा है, उसी का स्टोरी डाल रहा है, सब उसी की बातें कर रहे हैं, मीम भी उसी के ऊपर बन रहा है, मतलब हर चीज़ ना रेजिडेंट ईविल 4 के बारे में ही हो रहा है। जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ, अभी तो खैर लॉन्च होने वाला है, ये कंटेंट भी रेजिडेंट ईविल 4 के लिए ही है। मतलब फैन यहाँ पर अपना एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं और एंटिसिपेशन भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। अभी तो गेम के रिव्यू भी आ चुके हैं, कई सारे लोग कर चुके हैं जिनको अर्ली एक्सेस मिल जाता है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा मेरी नज़र, और एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कि जैसे यहाँ पर हमें पुराने कैरेक्टर तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है ट्रेलर देखने के बाद कि जो लुईस एक कैरेक्टर हुआ करता था, मतलब है यहाँ पर रेजिडेंट ईविल 4 का, उसका स्क्रीन टाइम यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये अच्छी चीज़ है, शायद अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए ये स्टोरी वगैरह को, तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है। और साथ में हमें मशीनरीज मोड तो देखने को मिलेगा ही, और मशीनरीज में हमें आई होप कि तीनों प्लेबल कैरेक्टर मिल जाए, स्पेशल फ्लेवर कैरेक्टर। अब समझ रहे होंगे मैं किन तीनों की बात कर रहा हूँ, हंक, एल्बर्ट वेस्कर और क्या नाम था इसका जिसका हाथ चेंज हो जाता है, ब्राउजर। तो ये बहुत ही अच्छे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे हमको यहाँ पर। कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाया गया है, जैसे कि रेजिडेंट ईविल 2 आप खेलोगे तो वहाँ पर लियोन को जो पहला NPC मिलता है वो बोलता है उसको कि सब इन्फेक्ट हो गए हैं, तुम हेजिटेट मत होना मारने के लिए एक को भी। वो शुरू में हेजिटेट होता है और बहुत डरता है वहाँ पर रेजिडेंट ईविल 2 में, आप अगर खेले होंगे रेजिडेंट ईविल 2 या आपको पता होगा ये चीज़, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल हेजिटेट नहीं होता है लियोन, ये चीज़ बहुत अच्छा है। और 6 में देखेंगे तो इवन गन का एमओ जब ख़त्म हो गया तो गन के पीछे स्टॉक से मार देता है, 6 इतना खतरनाक है। ये चीज़ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया गया है यहाँ पर। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, और देखेंगे रेजिडेंट ईविल 4 के बारे में शायद और वीडियो लाऊंगा मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कोई सजेशन हो तो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, होप यू हैव एन फैंटास्टिक डे।